Eats. तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज और बहुत सही टाइम पे आए हैं। यहाँ पे एक स्पोर्ट्स इवेंट चल रहा है जिसका नाम है उद्भव। ओके सो इस इवेंट का नाम है उद्भव और इवेंट जो है अभी आप लोग को सामने दिख रहा होगा। अभी बहुत सारे गेम्स चल रहे हैं, अंदर चेस के गेम चल रहा था और अर्थी का गेम, और हम लोग अभी यहाँ पे आए हुए हैं तो शूट तो करना है पूरा इंजीनियरिंग कॉलेज। तो पहले हम लोग अभी एडमिन ब्लॉक में। नमस्कार प्रणाम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में जिसका नाम है एंटी आर्सेनिक। तो बहुत दिन बाद हम लोग आए थे दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज, मतलब हम लोग का प्लान में तो था दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज आने का। तो हाँ, हम लोग आ चुके हैं यार। पहली बार मेरे को हेजिटेशन हो रहा है किसी कॉलेज में आने के बाद और सब कुछ हो जाने के बाद। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो मुझे AQ में भी मिले थे, AQ जब हम लोग प्रोटेस्ट करने गए थे तब, और वो यहाँ दरभंगा में है, हम लोग को मिल गए हैं। और लक्की हम लोग आज बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि आज हम लोग दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज में आए हैं। यहाँ पे एक स्पोर्ट्स इवेंट हो रहा है और वो इवेंट का नाम है उद्भया, मे बी उद्भया नाम है, मैं उसे सही से पढ़ नहीं पा रहा हूँ, पता नहीं क्या नाम है, बट जो भी नाम है वो स्पोर्ट्स यहाँ पे हो रहा है। हम लोग उसे भी देखेंगे, पूरा कैंपस भी घूमेंगे। कैंपस सही में बताओ बहुत सही है, मतलब सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं, मतलब इसको मेंटेन भी किया गया है और यहाँ पे हर तरीके का मैंने अभी तक एक्सपीरियंस किया कि हर लैब जो है वो चल रहा है, क्लास चल रहा है, फैकल्टी सही है और मतलब हर चीज़ हो रहा है यार, प्रॉपर फंक्शन कर रहा है। बाकी कॉलेज में प्रॉपर फंक्शन, किसी में कुछ मिस रहता था, किसी में कुछ मिस रहता था, बट दरभंगा में मेरे को अभी तक ये देखने को मिला है। अभी तक मैंने जितना एक्सपीरियंस किया, मैं आया हूँ कुछ देर रुका हूँ उसके बाद ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ, इसलिए मैंने जितना भी अभी एक्सपीरियंस किया है मुझे लग रहा है कि प्रॉपर फंक्शन कर रहा है कॉलेज बहुत अच्छे तरीके से। क्लास कैसे होता है नहीं होता है उसे हम लोग पूरा देखेंगे अभी। चलिए चलते हैं। हम लोग खड़ा हूँ ठीक न्यू एडमिन ब्लॉक के पास। न्यू एडमिन ब्लॉक, अभी ये नया एडमिन ब्लॉक बना है, ये पुराना वाला एडमिन ब्लॉक था, ठीक है, न्यू एडमिन ब्लॉक, और इसी के अंदर जो स्पोर्ट्स इवेंट है वो चल रहा है। तो हम लोग अंदर जाएंगे, देखेंगे क्या क्या चीज़ है, स्पोर्ट्स इवेंट कैसे फंक्शन कर रहा है। वहाँ पे बहुत सारे ब्लॉगर भी है और मेरे जो जानने वाले भी एक दो लोग थे, काफ़ी अच्छा लगा, कोई बात नहीं। चलिए अंदर चल के देखते हैं थोड़ा बहुत। और हमारे साथ हैं नीतीश, थोड़ा बहुत हमें हेल्प करेंगे क्या है नहीं है। इनका जो कॉलेज है ये दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज से ही है और ये भी 20 बैच है और हम भी 20 बैच है। आपका ब्रांच मैकेनिकल? अच्छा, ये मैकेनिकल ब्रांच है, ब्रांच मैटर नहीं करता, नहीं पूछना चाहिए ब्रांच अगली बार से, नेक्स्ट टाइम से। चलिए कोई नहीं, आगे चल गए हम लोग, पूरा का पूरा अंदर का सूट देखते हैं, सीन देखते हैं। ये हमारा लैब 2 मैन्युफैक्चरिंग लैब। अच्छा, ये लैब जो होता है प्रॉपर फंक्शन करता है ना? हाँ, लैब पूरा प्रॉपर फंक्शन करता है ना? हाँ, जितने भी लैब है सभी चलते हैं। अच्छा, ये दो मैन्युफैक्चरिंग लैब है, दोनों में अच्छे नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग के लिए और कन्वेंशनल मशीनिंग के लिए। ओके, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल चेक करेंगे, मतलब हर चीज़ के लिए एक अलग अलग लैब बनाया गया है। ओके, फाइन 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 फाइन। स्वयं फ्लूट मैकेनिकल लैब। और यार कैंपस बहुत सही है, लैब जो है प्रॉपर फंक्शन करता है, हर चीज़ का लैब कराया जा रहा है। और पढ़ाई कैसा चल रहा है कॉलेज का? अच्छा, कॉलेज का पढ़ाई बात किया जाए तो अच्छा चल रहा है, बहुत सही। क्या? बहुत सही, मतलब? हाँ, बहुत सही चल रहा है। मतलब बाकी कॉलेज से कंपेयर किया जाए तो इसमें क्या अलग दिखता है, मतलब क्या अलग दिखता है बाकी कॉलेज से कंपेयर कर दो? लेकिन यहाँ की सब व्यवस्था अच्छा है, व्यवस्था अच्छा है, टीचर मतलब जो भी टाइमली मतलब होता है सिलेबस सब टाइमली सब होता है, टाइमली हो जाता है। और सामने जो हम सर थे वो चल रहा है, अभी लंच हुआ है, बट लंच के बाद अभी सभी जो है सेमीफाइनल होगा ना? हाँ, सेमीफाइनल होगा इसके बाद। ओके, और इस इवेंट को कौन मैनेज कर रहा है? 20 बैच। अच्छा, 20 बैच मैनेज कर रहा है। और फ्रेशर पार्टी हो गया? हाँ, फ्रेशर्स हो गया, फ्रेशर्स हो गया, 20 बैच का मिला है, 21 बैच का नहीं मिला। अच्छा, 20 बैच को नहीं मिला। और ये है कॉलेज का हमारा वेन्यू कैंपस। और ये जो बना था बिल्डिंग, ये कब बना था, कितना दिन हो गया बने हुए? आइडिया नहीं, मतलब ये बहुत पुराना, आने से पहले से है, आने से पहले से मतलब वो उससे मैं न्यू हुआ था। अच्छा, तो उससे मतलब उस टाइम नया हुआ था। आप लोग को एक बात बताना है कि दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज जो है वन ऑफ द टॉप कॉलेज आता है अपने प्लेसमेंट के मामले में। यानी यहाँ पे कुछ साल पहले कुछ नहीं मतलब कुछ दिन पहले जो प्लेसमेंट हुआ था वो 15 लाख का हुआ था और हाईएस्ट जो प्लेसमेंट रेट है वो इस कॉलेज का ही है, बिहार इंजीनियरिंग में बात कर रहा हूँ, पूरे बिहार में नहीं बात कर रहा हूँ, बिहार इंजीनियरिंग का बात कर रहा हूँ, मतलब जो भी गवर्नमेंट कॉलेज है वो। और
कॉलेज की प्लेसमेंट हो भी क्यों ना भाई, भाई कॉलेज जो प्रोवाइड कराता है वो अभी तक मैंने किसी और कॉलेज को नहीं देखा जो प्रोवाइड करवाता हो। और इसका कट ऑफ बख्तियारपुर और भागलपुर से लो रहता है, मेरे को जैसा पता है कि लो रहता है। और फी तो सबको पता ही कितना रहता है, 40-50 हज़ार के आसपास रहता है 4 साल का, ठीक है। और कैंपस वो ऐसा ही है, थोड़ा सा मेंटेन किया गया है जैसा बाकी कॉलेज का कैंपस रहता है, लगभग वैसा है बट इसको मेंटेन किया गया है। मतलब बाकी कॉलेज के पास भी रहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर बट वो मेंटेन नहीं कर पाते, मतलब जो चीज़ देना है जिसको यूज़ करना है उसे सही तरीके से यूज़ नहीं करते। बट इन्होंने रिसोर्सेज का पूरा पूरा यूज़ किया भाई, मतलब किस तरीके से यूज़ करना है किसी भी रिसोर्सेज का इनको पता है, ये इसमें एक्सपर्ट है, ठीक है। और मेरे साथ नीतीश है, और भी कुछ जानेंगे धीरे धीरे और आप लोग को बताने की कोशिश करेंगे क्या क्या पूरा कहानी है। मेस हॉस्टल ये सब चल रहा है ना, मेस हॉस्टल सब चल रहा है, और अगर आपको हॉस्टल लेना है तो आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी बता रहे थे जैसे कि प्लेसमेंट यहाँ पे बहुत हाई रेट में चलता है, ठीक है, तो किस किस ब्रांच का सबसे ज़्यादा टॉप में रहता है? एवरेज सब ब्रांच ज़्यादा सी एस सी एस ज़्यादा रहता है, ट्रिपल ई है सर, ट्रिपल ई सी रहता है। अभी हम लोग हैं सेकेंड फ्लोर पर और यहाँ पर HOD का ऑफिस है, कंप्यूटर सेंटर है, लैब भी है यहाँ पे कुछ कुछ हद तक, और क्लास भी चल रहा है, मतलब कॉलेज चल रहा है, उसमें हम लोग ब्लॉग भी कर रहे हैं। और नीचे कैंपस में स्पोर्ट्स इवेंट भी हो रहा है जो कि बनाया गया है 20 बैच द्वारा, बनाया नहीं गया कह सकते ना, ऑर्गेनाइज़ किया गया है 20 बैच द्वारा, ठीक है। थोड़ी देर बाद जो इवेंट स्टार्ट होगा तो फिर हम लोग उसको भी शूट करने की कोशिश करेंगे, अंधेरा आ रहा चेहरे पे, कोई बात नहीं, चलो कोई नहीं। अभी हम लोग हैं, फिर से बता देता हूँ, न्यू एडमिन बिल्डिंग में, जो आप लोग ब्लॉग में देखते हो कि पुराना एडमिन बिल्डिंग वो कहीं और है, वो साइड में है, उसमें क्लास चल रहा है क्या अभी? मधुबनी इंजीनियरिंग कॉलेज, बता दूँ कि उसका जो कैंपस है वो भी अभी दरभंगा में चल रहा है। और किसका किसका दरभंगा में चल रहा है? बस मधुबनी का। और जानकारी जानने को मिला है, मेरे को पता नहीं था कि दरभंगा में भी MTech का जो क्लास है वो चलता है, और जो MTech क्लास है वो इस फ्लोर यानी फोर्थ फ्लोर पे चलता है। और यहाँ पे मतलब MTech करने के लिए क्या क्लियर करके आना पड़ता है, मतलब क्या करना पड़ता है, किसी चीज़ का एग्ज़ाम देना होता है? इसका इन्फॉर्मेशन नीतीश के पास नहीं है और मेरे पास भी नहीं है, क्योंकि मेरे को तो अभी अभी पता ही चला था। बस इतना पता है कि दरभंगा में और जो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है उसमें MTech का पढ़ाई होता है। और नीचे स्पोर्ट्स चालू हो चुका है, बट उसे हम लोग थोड़ी देर बाद शूट करेंगे। पूरा जो कैंपस है हम लोग उसे घूम लेंगे, मधुबनी जो कैंपस है ओल्ड वाला उसे भी घूम के देखेंगे, और बहुत कुछ देखने को मिलेगा, चलिए बने रहिए। तो हम लोग अभी दरभंगा कॉलेज का जो न्यू वाला एडमिन ब्लॉक है उसको से बाहर निकल चुके हैं उससे, और हम लोग अभी बढ़ रहे हैं ओल्ड वाला बिल्डिंग। आप लोग यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो देखते होंगे ओल्ड वाले बिल्डिंग का होगा, न्यू वाले बिल्डिंग का बहुत कम जगह आप लोग को देखने को मिलता है। बट हम लोग एक्सप्लोर करें न्यू वाला कैंपस, और सॉरी कैंपस नहीं बिल्डिंग, और सामने मेरे कैंटीन है, उसके आगे वर्कशॉप है, उसे भी देखेंगे, और ओल्ड वाले कैंपस को भी बिल्डिंग को देखेंगे। सॉरी कैंपस बार बार बोलता हूँ क्योंकि कैंपस बहुत सारे कॉलेज का ओल्ड था इसलिए मेरे ध्यान में रहता है, बट कोई नहीं, उसको आप लोग ध्यान से रखिएगा। और सामने और जो ओल्ड बिल्डिंग है उसमें मधुबनी का क्लास चलता है जैसा कि मैंने वीडियो में पहले आप लोग को बताया है, उसे भी हम लोग अंदर से जा कर देखने वाले हैं। कैंटीन को क्या ही देखें, कैंटीन जैसा होता है। और ये जो दिख रहा है आप लोग को ये है वर्कशॉप, वर्कशॉप अंदर ही बनाया गया है ना उस पुराने वाली बिल्डिंग में, नए वाले बिल्डिंग में वहाँ भी वर्कशॉप बनाया गया और यहाँ भी वर्कशॉप। तो यहाँ जो वर्कशॉप चलता है वो मधुबनी वालों का चलता है या फिर दोनों का चलता है, दरभंगा और मधुबनी दोनों? हाँ सिर्फ मधुबनी का? अच्छा इसमें दरभंगा का नहीं चलता, सिर्फ मधुबनी का? तो ये वर्कशॉप सिर्फ मधुबनी वालों के लिए चलता है। अच्छा वर्कशॉप है। और ये जो ऑफिस आप लोग को दिख रहा है ये ओल्ड ऑफिस है दरभंगा का, आप लोग को बहुत सारे वीडियो में ये बिल्डिंग जरूर दिखता होगा, बट इसमें अभी कोई फंक्शन हो नहीं रहा है, मतलब ये जो बिल्डिंग है प्रॉपर फंक्शन करता नहीं है, मतलब इसमें क्या चल रहा है नहीं चल रहा मुझे पूरा डिटेल में नहीं पता, बट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ मधुबनी शायद इसमें मधुबनी का प्रॉपर जो ऑफिस है वो चलता होगा, चाहे डेटा जो भी रहता हो इसी बिल्डिंग में रहता होगा, हम दोनों के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है इसलिए। और ये जो ओल्ड ऑफिस था उसी में सेंट्रल बैंक का ऑफिस है, मतलब बैंक है, और ये अभी भी फंक्शन कर रहा है। मतलब यहाँ पे जो लोग जो बैंक अकाउंट खुलाते हैं वो सिर्फ कॉलेज करते हैं या बाहर के भी आते हैं? बाहर के कॉलेज करते हैं। अच्छा दोनों जगह के आ जाते हैं अंदर, ठीक है। और यहाँ पे स्टूडेंट झुंड बना के बैठे हुए, उनको भी आगे चल के हम लोग देखने वाले। अभी मैं जब खड़ा हूँ मेरे पीछे ठीक पीछे प्रोफेसर का क्वार्टर है, प्रोफेसर क्वार्टर है ना ये?
ये प्रोफेसर क्वार्टर और स्टाफ क्वार्टर, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके बिल्डिंग स्टाइल से देख के ही पता चल जाता है ये, बट उससे भी इम्पोर्टेंट ये जो सामने आप लोग को बिल्डिंग दिख रहा है, आप लोग को जो बिल्डिंग दिख रहा है ये बिल्डिंग पहले इसमें दरभंगा क्लास चला करता था, बट न्यू एडमिन ब्लॉक बनने के कारण जितने भी क्लासेस हैं वहाँ शिफ्ट हो गई, और ये जो यहाँ पे अभी जो क्लास चलता है वो है मधुबन वालों का क्लास चलता है, यानी जो मेन बिल्डिंग है वहाँ पे एडमिन ब्लॉक उसमें मधुबन वालों का क्लास नहीं चलता है। अच्छा, कभी कभी अटेंड हो जाता है मौसम ख़राब रहा तो, और रेगुलर वैसे रेगुलर मधुबनी वालों के लिए यही चलता है, और मधुबनी वालों का शायद कैंपस भी तैयार होने वाला है, कुछ समय में ही तैयार हो जाएगा, तो उसके बाद यहाँ से उन लोग को तो ऐसे भी ट्रांसफ़र हो जाएंगे, कोई नहीं। और एक और बात, ये जो आप लोग को स्टाफ क्वार्टर और प्रोफेसर क्वार्टर दिख रहा है, इसके ठीक पीछे गर्ल्स हॉस्टल भी है, और अगर आप लोग फर्स्ट ईयर से हो, थर्ड ईयर से हो, कोई मायने रखता है, दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज में सभी ईयर वालों को यहाँ पे हॉस्टल जो है मिलता है। आए तो थे हम दरभंगा को ब्लॉग करने के लिए, बट साथ ही साथ हम मधुबनी का भी ब्लॉग कर रहे हैं। अभी जो मैं हूँ वो है एक लैब का पूरा जखीरा, यानी मधुबनी वालों का जो लैब है वो यहाँ पे कराया जाता है। ठीक मेरे पीछे है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग लैब, उसके आगे है ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग लैब, उसके आगे है मटेरियल टेस्टिंग लैब, और भी लैब है आगे, बहुत सारे लैब है। और एक और बात, मधुबनी के जितनी भी फैकल्टी हैं वो अलग है, दरभंगा के फैकल्टी वो अलग हैं, बट प्रिंसिपल उन सभी का एक ही है। और ये जो बिल्डिंग है वो ठीक ओल्ड ऑफिस जो है उसके पीछे बना हुआ है। और ये भी बता दूँ कि दरभंगा का जो पहले का क्लास है वो यहीं चला करता था, बाद में जब उन लोग का एडमिन ब्लॉक न्यू बना तब वहाँ वो क्लास जो है ट्रांसफ़र हो गया, बट वो जो बिल्डिंग है वो ज़्यादा पुराना नहीं है, 2020 या 19 के आसपास ही वो जो बिल्डिंग है वो बना था, ठीक है। और इस कैंपस में कोई भी बाहर का आदमी आ सकता है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे सेंट्रल बैंक है, और सेंट्रल बैंक में बहुत बाहर के लोगों का भी जो है अकाउंट बना हुआ है, इस कारण, जैसा कि आप लोग को वहाँ पे कुछ लोग खड़े दिख रहे होंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग को सर्वेक्षण एवं भू मापन, अच्छा, सर्वेइंग एंड ज्योमेटिक्स लैब है, ओके। अच्छा, आप लोग को जो सामने बिल्डिंग दिख रहा है ये बिल्डिंग बन रहा है बालक छात्रावास, यानी बॉयज़ हॉस्टल, ये न्यू बिल्डिंग बन रहा है। और ये जो प्रोजेक्ट है आप लोग को अगर सामने दिख रहा हो, सामने अगर दिख नहीं रहा हो, जूम नहीं कर पा रहा हूँ मैं, सामने आप लोग को जाके दिखाता हूँ, ये जो प्रोजेक्ट है पूरा 18 महीने का प्रोजेक्ट है, यानी और ये जो प्रोजेक्ट है वो 28 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 28 करोड़ 46 लाख क्या ही मैटर करता है 28 करोड़ के सामने, ये मतलब 18 महीनों का अगर प्रोजेक्ट है और 2021 से स्टार्ट हुआ है, मतलब कुछ ही दिनों में ये जो प्रोजेक्ट है कंप्लीट होने वाला होगा। बिल्डिंग लगभग बन के तैयार हो चुका है, और ये सामने कुछ बिल्डिंग दिख रहा है, मुझे नहीं पता ये किस चीज़ का बिल्डिंग है, ये सामने जो बिल्डिंग है किस चीज़ का, किसके लिए, गर्ल्स हॉस्टल, ये गर्ल्स हॉस्टल। अभी जो मैं हूँ, आप लोग को मधुबनी का भी मैंने बिल्डिंग दिखाया, तो ठीक उसके पीछे हूँ, उसके पीछे में आप लोग को दो ये बिल्डिंग है, ये दोनों स्टाफ क्वार्टर है, और उसके बगल में ये नया जो बन रहा है बॉयज़ हॉस्टल वो मैंने बताया था आप लोग को। और एक और चीज़ जो नीतीश मुझे बता रहे हैं, वो जो गर्ल्स पीछे वहाँ पे लास्ट पॉइंट जो आप लोग को एक बिल्डिंग दिख रहा होगा वो गर्ल्स हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल उस साइड से हम लोग जा नहीं सकते क्योंकि हम लोग बॉयज़ है, और गर्ल्स हॉस्टल सभी को मिलता है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर कोई भी मैटर नहीं करता। मधुबनी वालों को गर्ल्स, मधुबनी वाले जो गर्ल्स होती हैं उनको क्या गर्ल्स हॉस्टल में रूम मिलता है क्या, हाँ उसका आइडिया मुझे भी नहीं है, नीतीश को भी नहीं है, बहुत कुछ नहीं है हमें, अगली बार हम लोग को आपको पूरा डिटेल के साथ बताएंगे क्या क्या हमें आइडिया है, कोई बात नहीं। तो आप लोग को कुछ बात जो है वो बताना चाहता हूँ, अभी जो कैंपस है वो कुछ कुछ चीज़ इसमें बन रहे हैं, और आप लोग को ये जो बिल्डिंग सब दिख रहे हैं ये सब ओल्ड बिल्डिंग का हिस्सा हुआ करते थे, मतलब जो ओल्ड कॉलेज चला करता था उसका ये सभी हिस्सा हुआ करते थे। मुझे जब लगता है कि जब कैंपस प्रॉपर तरीके से तैयार हो जाएगा तो ये सब चीज़ जो है हट जाएंगे, ऐसे भी रहता है तो क्या ही मैटर करता है, बस मतलब यहाँ जो काम चल रहा है वो थोड़ा सा आप लोग को लग रहा होगा कि क्या है, चला है नहीं चला, बट वो मैटर करता नहीं है, ठीक है। ये सभी जितने भी आप लोग को चीज़ दिख रहे होंगे, जो भी बिल्डिंग है टूटे फूटे पुराने, ये सभी ओल्ड जब कॉलेज चला करता था, यहाँ प्राइवेट कॉलेज था पहले, ये प्राइवेट कॉलेज था, ये 2008 में ये कॉलेज इस्टेब्लिश हुआ था, उससे पहले भी ये कॉलेज था बट उस टाइम ये प्राइवेट कॉलेज था, बाद में इसे गवर्नमेंट ने अपना लेके इसे गवर्नमेंट कॉलेज बना दिया, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ दरभंगा, सॉरी दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, उल्टा बोला मैंने। बस दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही,
और अगर आपको ये कॉलेज पसंद आया हो तो अगर आपको कॉलेज का ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो या बिहार इंजीनियरिंग के एडमिशन लेने में इंटरेस्ट हो। अगर आपको इस कॉलेज में एडमिशन लेना है या फिर ऐसे ही किसी बिहार इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना है किसी कॉलेज में, तो आपको नीचे कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं और इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हैं, और ऐसे ही अपडेट के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। बस आज के वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम लोग घूम रहे होंगे कोई और इंजीनियरिंग कॉलेज या फिर हम लोग बात कर रहे होंगे कॉलेज के बारे में। बस फिर मिलते हैं।